नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लवली शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची में बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी पिछड़ा भारत 116 देश की सूची में 101वें स्थान पर। आज 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी, पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन बनाएंगी। आज से शुरू होगा भारत अमेरिका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास, 29 अक्टूबर तक चलेगा। चीन में अब लिंक्डइन भी होगा बाहर, फेसबुक ट्विटर पर पहले से है बैन। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दुर्गा पंडाल पर हुए हमलों के बीच भारत को दी नसीहत, कहा भारत में भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका असर बांग्लादेश पर पड़े। आर्यन खान केस को लेकर हंसल मेहता बोले, गांजा कई देशों में लीगल, यहां भी नौटंकी बंद होनी चाहिए। सिंधु बॉर्डर पर आंदोलनकारियों ने मंच के पास युवक की हत्या को लेकर किसान मोर्चा ने बुलाई आपत बैठक, निहंगों पर लगा आरोप। आत्मनिर्भरता के साथ भारत को बनाना है सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, 7 डिफेंस कंपनियों की लॉन्चिंग पर बोले पीएम मोदी, हाथ पैर काटे और टांग दिया। निहंगों ने की युवक की सिंधु बॉर्डर पर हत्या, वायरल हो रहे कई वीडियो। दिल्ली हावड़ा रूट पर मालगाड़ी बेपटरी, कानपुर शताब्दी रद्द, कई ट्रेनों का रूट बदला। पाक खुफिया एजेंसियों ने भारतीय मोबाइल नंबर से लिंक की थी फेसबुक प्रोफाइल, पाकिस्तानी महिला एजेंट का था अकाउंट। आज की बुलेटिन में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ एनसीआर।